Hello students, welcome to chapter number 4, Q Basic Programming. Myself Preeti Godham. In the last video, we had seen the for loop. Today, we are going to discuss about the next loop that is called as do loop. What is the do loop? Do loop, that means aap yahan par condition sabse last mein test karte ho. Okay, or do, that means which is having two parts, do while loop and do until loop. Do while loop, jahan par condition aapki positive chalti hai. That means, jab tak aapki condition true hai, tab tak loop execute karega. Uske andar jitne bhi statements hai, wo sare execute honge. Lekin do until loop just iska opposite hai. Do until loop, jab tak ki koi condition true na ban jaye, tab tak ye chalega. That means, ye false condition pe execute karega. Kaun? Do until loop. Until, that means ki jab tak condition true na ho jaye, tab tak ye loop execute karega. Aur jaise hi condition true ho gayi, to ye stop kar dega. Lekin do while loop iska opposite hota hai. Do while loop ke andar hum sabse pehle condition test karte hain. Agar condition true hai, to hi loop execute hoga. That means jaise hi false condition enter ho jati hai, loop execute nahi hota hai. Okay, so have a syntax, have a look over the syntax. आपको सभी को syntax बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं, क्योंकि syntax ही आपको helpful होते हैं कि program कैसे बनते हैं. Syntax को देख के हम program easily बना सकते हैं. We have to write the word do while. Do while के साथ में हमारी जो भी condition है, वो condition यहाँ दिखाती है. Test condition always comes with while. While के साथ ही test condition होती है. उसके बाद में जो भी हम statements लिखते हैं, वो body of loop कहलाती है. और इसी स्टेटमेंट्स के अंदर हम प्रिंट लिखते हैं, काउंट लिखते हैं, ये सारी चीजें हम इसी स्टेटमेंट में लिखते हैं. और लास्ट में हम लिखते हैं लूप. ओके, लूप दैट मींस वापस से आपको वही कंडीशन टेस्ट करवानी है विद द नेक्स्ट वैल्यूज. नाउ सीएलएस, आपको यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 10 तक. तो जो लास्ट टाइम हमने फोर लूप में देखा था, वो हमने एक साथ लिख रखा 1 to 10. बट यहाँ क्या होगा डू व्हाइल लूप के अंदर, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे. स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्ट में लिखा जाएगी और जहां पर एंड करना है वो टेस्ट कंडीशन बन जाएगी. ठीक है, तो जो टेस्ट कंडीशन होगी वो कैसी होगी, आपकी लास्ट वैल्यू के साथ में कंडीशन टेस्ट होगी. आपको कहां से स्टार्ट करना है वो आप पहले लिखेंगे. सीएलएस काउंट, ये वेरिएबल है आपका, ए एक्स वाई ऐसे वेरिएबल्स आपने यूज करें. काउंट इक्वल्स टू 1, तो आपको कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है. उसके बाद में क्या लिखना है, डू व्हाइल क्या करना है, काउंटिंग लेस देन इक्वल्स टू 10. दैट मींस आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, जब तक काउंटिंग आपकी 10 से छोटी या 10 के बराबर है तब तक आपको काउंटिंग प्रिंट करनी है. और काउंटिंग को इंक्रीज करना है, 1 हो गया, 1 प्रिंट कर दिया. 1 के बाद में क्या करना है, काउंट प्लस 2. काउंट प्लस 2 मतलब कितना हो रहा है, 3. 3 10 से छोटा है, 3 को प्रिंट करना है. 3 के बाद में 3 प्लस 2 5. 5 10 से छोटा है, कंडीशन टेस्ट हुई, छोटा है, 5 प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट 5 प्लस 2 7. 7 फिर ऊपर कंडीशन टेस्ट करेंगे, 7 10 से छोटा है, 7 प्रिंट हो जाएगा. 7 प्लस 2 9 फिर कंडीशन टेस्ट करेंगे, 9 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट हो जाएगा. 9 प्लस 2 11. अब 11 को टेस्ट करेंगे, क्या 11 10 से छोटा है, नहीं है, तो क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉल्स स्टेटमेंट मिल चुका है. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा, 11 10 से छोटा नहीं है. दैट मींस क्या हुआ, जैसे ही आपकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है. कंडीशन फॉल्स हुई, स्टेटमेंट वहीं ब्रेक हो जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द डू व्हाइल लूप व्हिच ऑलवेज एग्जीक्यूट ओनली ऑन टेस्ट कंडीशन व्हिच इज हैविंग ट्रू वैल्यूज. ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब इसमें ट्रू वैल्यू होती है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी. सीएलएस काउंट इक्वल्स टू 1. अब हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं. तो काउंट की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट करी है, 5 से. और 5 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है. तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 5 से, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है. तो 5 greater than equals to 1. ओके, डू व्हाइल काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. काउंट कौन है, ये आपका वेरिएबल है. ठीक है, आप वेरिएबल में कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो,
लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी इस टाइप के आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। आपने बोला है काउंट के वैल्यू 5 है और काउंट को कब तक टेस्ट करना है, जब तक उसकी वैल्यू 1 या 1 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में काउंट को प्रिंट करवाएंगे और काउंट की वैल्यू 1 से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 5, 5 के बाद में 1 से माइनस हुआ तो 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 1 के बाद 0 पे नहीं टेस्ट करेगा ये, ठीक है। तो प्रोग्राम हम देखते हैं, do while count greater than equals to 1, 5 1 से बड़ा है, yes बड़ा है तो 5 print हो जाएगा, then 5 minus 1 4 हो जाता है, 4 1 से बड़ा है, 4 print हो जाएगा, 4 minus 1 3, फिर ऊपर जाएगा, 3 greater than 1 है, yes बड़ा है, 3 print हो जाएगा, 3 minus 1 2, 2 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 2 print हो जाएगा, then 2 minus 1 1, 1 1 से बड़ा है, नहीं है, लेकिन 1 1 के इक्वल है, हाँ है, तो 1 भी प्रिंट हो जाएगा, then 1 minus 1 0, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है, तो जैसे इसको नहीं वर्ड मिल जाता है, that means false statement मिल जाता है, तो ये यहीं ब्रेक करके बाहर आ जाता है। In this way, we are printing the statements which is given under the do while loop. Next loop जो हमारा है, वो है do loop while, okay, loop के बाद में अब हम while word लिखेंगे। यहाँ पर ये जो दोनों थे do while friends थे, तो यहाँ पर ये दोनों साथ में थे, लेकिन अब इनके बीच में झगड़ा हो गया, तो क्या हुआ, loop बाहर हो गया, while बाहर हो गया, तो वो किसके साथ आ गया है, loop के साथ है। यहाँ पर while और do friends थे, तो दोनों साथ साथ में थे, और मैंने बताया था कि while के साथ में condition होती है, ठीक है, तो यहाँ हमने while के साथ condition दे दी है, लेकिन नीचे लूप के साथ में, और स्टेटमेंट हमारा एज इट इज है। स्टार्टिंग में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है वो वैल्यू लिखेंगे, 2 से स्टार्ट करना है, फिर 2 को प्रिंट करना है और 2 से 2 को प्लस कर देंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि c हमारा 8 से छोटा है, तो यहाँ पर 2 को प्रिंट करा, देन 2 प्लस 2 4, 4 8 से छोटा है, यस छोटा है, 4 को प्रिंट करेंगे, 4 प्लस 2 6, 6 8 से छोटा है, 6 को प्रिंट कर देंगे, देन 6 के बाद में 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 2 8, 8 8 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो 8 हमारा नहीं प्रिंट होगा, ओके। बट रिमेम्बर कि डू लूप वाइल के अंदर फॉल्स कंडीशन पे भी एटलीस्ट एक बार ये प्रिंट होता है। नेक्स्ट वन इज डू अंटिल लूप। अंटिल जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा इसका एग्जीक्यूशन, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर द सिंटैक्स। सिंटैक्स डू अंटिल टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट लूप। जैसा अभी हमने डू व्हाइल का पढ़ा था वैसे ही डू अंटिल का है, सिर्फ व्हाइल की जगह वर्ड अंटिल आ जाएगा और ट्रू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं a equals to 4, मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। until मतलब जब तक 4 आपका 15 से, 4 15 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये 4 प्रिंट कर देगा। मैंने अभी बताया कि नहीं पे ये प्रिंट करेगा और हाँ पर ये नहीं प्रिंट करेगा, ओके, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है। तो क्या 4 बड़ा है 5 से, जैसे तो प्रिंट a मतलब 4 प्रिंट कर देगा, फिर 4 प्लस 4 8, 8 बड़ा है 15 से, नहीं है, 8 प्रिंट हो जाएगा, देन 8 प्लस 4 12, 12 15 से बड़ा है, नहीं है, 12 प्रिंट हो जाएगा, देन 12 प्लस 4 16, 16 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, हाँ, दैट मीन्स अब आगे नहीं प्रिंट करेगा। तो इसके क्या क्या आंसर बने, 4 8 12, 16 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 16 बड़ा है। तो इसके आउटपुट देखेंगे हम, क्या आउटपुट मिल रहा है, 4 8 एंड 12, ओके। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रोग्राम देख रहे हैं, डू लूप अंटिल। ऐसे ही अब डू और अंटिल के अंदर झगड़ा हो गया, तो अंटिल नीचे आ गया। कंडीशन हम देखेंगे, सी की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 को प्रिंट कर दिया, देन 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 8 से बड़ा है, 4 8 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर से जाएंगे ऊपर, फिर हम टेस्ट करेंगे,
फोर को प्रिंट कर देंगे, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स एट से बड़ा है नहीं है तो फिर सिक्स को प्रिंट कर देंगे, देन सिक्स प्लस टू, सिक्स प्लस टू मतलब एट, क्या एट एट से बड़ा है नहीं है तो ये एट भी प्रिंट करेगा, बुक में नहीं दे रखा ये एट भी प्रिंट करेगा क्योंकि ये नहीं है, फॉल्स कंडीशन पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर एट प्लस टू टेन, क्या टेन एट से बड़ा है, यस बड़ा है, एट एट से बड़ा है नहीं है तो ये प्रिंट करेगा, लेकिन टेन एट से बड़ा है हाँ है तो ये नहीं प्रिंट करेगा। लास्ट स्टेटमेंट है while वेंट कमांड, while वेंट कमांड भी सेम डू अंटिल लूप जैसा है, सिर्फ इसके अंदर वर्ड while है, डू नहीं है, ठीक है। और लास्ट में जो हम लिखेंगे वो वेंट लिखेंगे, दैट मीन्स आप while लूप को एंड कर रहे हो, while का w और एंड, यहाँ पर भी ये तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स है, दैट कंडीशन आपकी ट्रू है, जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगा। CLS स्टेटमेंट सिंटैक्स देखेंगे, while टेस्ट कंडीशन स्टेटमेंट when, वहां पर हमने do while और do until लिखा था, यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड while लिखेंगे और when लिखेंगे। CLS नंबर को हमने कहाँ से स्टार्ट करा, 10 से स्टार्ट करा, क्या 1050 से छोटा है, यस है तो 10 प्रिंट हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, 20 50 से छोटा है 20 प्रिंट हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 50 से छोटा है 30 प्रिंट हो जाएगा, 30 प्लस 10 40, 40 50 से छोटा है 40 प्रिंट हो जाएगा, देन 40 प्लस 10 50, 50 50 से छोटा है नहीं है लेकिन 50 50 के इक्वल है तो 50 प्रिंट हो जाएगा, देन 50 प्लस 10 60, क्या 60 50 से छोटा है नहीं है, 60 50 के इक्वल है नहीं है, दैट मींस लास्ट वैल्यू क्या होगी 50, ओके। नेक्स्ट कमांड होती है एग्जिट कमांड, एग्जिट कमांड किसी भी लूप से बाहर निकलने का काम करती है, ठीक है। आपको 1 से लेकर 6 तक प्रिंट करना था लेकिन आपने बीच में बोल दिया कि जैसे ही नंबर 4 आ जाता है तो आपको एग्जिट कर देना है, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, CLS 4 लूप्स अपन बना रहे हैं, 1 से 6 तक अपने को जाना है, अपन ने लिख दिया 4 नोन दैट मींस नंबर इक्वल्स टू 1 2 6 प्रिंट NO, दैट मींस आपने प्रिंट नंबर करवा दिया। अब क्या बोला, इफ कंडीशन, अपन ने डिसीजन लिया इफ जैसे ही हमारा नंबर 4 के इक्वल हो जाता है तो आपको क्या करना है, एग्जिट, एग्जिट और फिर 4 नेक्स्ट नंबर, तो यहाँ पर लिखना जो हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी थी वो 1 से लेके 6 तक होनी थी लेकिन हुई क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बोला था 4 के इक्वल जैसे ही हो जाता है तो आपको रुक जाना है, एग्जिट कर देना है, तो आपने यहाँ 1 2 3 4 तक प्रिंट करवाया और वैल्यू नेक्स्ट वाली एग्जिट हो चुकी है तो ऑटोमेटिक सिस्टम 5 और 6 वैल्यू को नहीं प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको स्टेटमेंट डिसीजन लेने को बोल दिया कि जैसे ही नंबर 4 के इक्वल हो जाए देन यू हैव टू एग्जिट इट। आई होप ये दोनों आपको लूप्स क्लियर हो चुके हैं, डू लूप एंड डू अंटिल लूप। उसके बाद हमने देखा व्हाइल एंड लूप एंड एग्जिट कमांड। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।